वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था। उस पीडीएफ में मैंने आपको सेपरेबल मैट्रिक स्पेस, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, बराक फिक्स पॉइंट थ्योरम, इनके बारे में उसके अंदर उसकी डेफिनेशंस और थ्योरम्स प्रूफ थी, उसकी मैंने आपको पीडीएफ बना के आपको सेंड की थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया मुझे कि सर इन थ्योरम्स को हमें समझाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन थ्योरम्स के बारे में विस्तार से समझाऊंगा और आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेपरेबल मैट्रिक स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेपरेबल मैट्रिक स्पेस। इससे पहले हमने सेकंड यूनिट जो थी हमारी, उसमें हमने डेंस सेट, नॉन डेंस सेट, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास में उन्हीं को हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। डेंस सेट, नॉन डेंस सेट, वो यहाँ पर हमारे पास में यूज़ आएंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले सेपरेबल मैट्रिक स्पेस। तो सेपरेबल मैट्रिक स्पेस में ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी सेपरेबल इफ़ एक्स कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सेट, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट ए बार इज इक्वल टू एक्स। समझिए, हमारे पास में कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी है, वह मैट्रिक स्पेस सेपरेबल मैट्रिक स्पेस कहलाएगा यदि एक्स जो है वो कंटेन करता है काउंटेबल डेंस सेट्स को। That is, there exists a countable subset A of X such that A bar is equal to X. A bar is equal to X means A is a dense set and A यदि countable है और वो contain करता है X के अंदर, that is metric space के अंदर, then it is said to be separable metric space. जैसे example अगर हम देखें तो हमारे पास जो rational number का set होता है वो डेंस सेट होता है R के अंदर। देखिए कैसे कि कंसीडर ए मैट्रिक स्पेस आर डी वेयर D इज ए यूजुअल मैट्रिक, देन Q इज डेंस इन कैपिटल R, दैट इज रियल नंबर, सिंस Q बार इज इक्वल टू R एंड Q इज वन, Q डेंस सेट है R में, सिंस Q बार इज इक्वल टू R। Also, R is separable since Q is countable dense subset of R. जो हमारे पास में Q है वह dense set भी है और Q countable set भी है, then the metric space XD is said to be separable metric space. Next, first category. What is first category? What is second category? First category में हम कहते हैं कि a subset of a metric space is said to be फर्स्ट कैटेगरी इफ़ इट कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट। कोई भी हमारे पास में मैट्रिक स्पेस है उसका कोई भी सबसेट फर्स्ट कैटेगरी का कहलाता है, इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, यदि वह नो वेयर डेंस सेट की जो सीक्वेंस है उसके यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी अगर कोई सबसेट इस प्रकार है जो डेंस सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, देन इट इज सेट टू बी इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी का सबसेट वो होता है, या फर्स्ट कैटेगरी को सबसेट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम वो लिखा जा सकता है डेंस सेट के यूनियन के फॉर्म में। इसके आगे हमारे पास में इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, वेयर्स कैटेगरी थ्योरम। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को के बीच में डिफरेंस बताती है। तो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट है कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ द सेकंड कैटेगरी एज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ। सेकंड कैटेगरी मींस कि कोई भी ऐसा सबसेट नहीं है जो यूनियन में लिखा जा सके डेंस सेट के यूनियन में। ओके, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है
वह सेकंड कैटेगरी की होती है। इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से। जैसा आप देख सकते हो कि इसके स्टेटमेंट के बाद में कई सारे ईयर्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिन जिन ईयर्स में ये परीक्षा में आई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। तो प्रूफ में हम देखते हैं कि हमने माना कि एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है। अब हमें शो करना है कि एक्स इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। सो हम ये लेके चलते हैं कि माना कि ये सेकंड कैटेगरी की नहीं है। कॉन्ट्रोडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे हम कि लेट इफ़ पॉसिबल एक्स इज़ नॉट ऑफ सेकंड कैटेगरी। और जब ये सेकंड कैटेगरी की नहीं है, इट मीन्स ये फर्स्ट कैटेगरी की होगी। और जब ये फर्स्ट कैटेगरी की होगी तो यह जो डेंस सेट के जो सीक्वेंस है उनकी यूनियन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। दैट इज़ सो दैट एक्स इज़ यूनियन ऑफ ए सीक्वेंस, माना सीक्वेंस ए एन है, ऑफ नो वेयर डेंस सेट, ऑफ नो वेयर डेंस सेट, नो वेयर डेंस सेट के यूनियन के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब हमने माना कि ए वन एक नो वेयर डेंस सेट है। सो भाई लास्ट थ्योरम, एक ऐसा क्लोज्ड स्फीयर F1 जिसकी रेडियस R1 है और उसको हमने 1/2 से स्मॉल लिया है, इस प्रकार होगा कि F1 और A1 के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दैट इज़ F1 इंटरसेक्शन A1 इक्वल टू 5। नाउ अब हमने लिया एक S1 एक ओपन स्फीयर विद द सेम सेंटर एंड द रेडियस इज F1, रेडियस भी उसकी F1 के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ लेस देन 1/2। सो अब हमने एक नई सीक्वेंस है हमारे पास में नो वेयर डेंस सेट की, उसका एक एलिमेंट है A2। A2 इज़ नो वेयर डेंस सेट, सो इन S1, सो वी कैन फाइंड ए क्लोज स्फीयर F2 ऑफ रेडियस लेस देन 2^2 सच दैट F2 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 5, यानी F2 और A2 के बीच में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब इसी प्रोसेस को हम करते रहें तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे हमारे पास में डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी Fn की ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट इन एक्स सच दैट डी ऑफ Fn इज इक्वल टू 1/2^n। यहाँ पर आप एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा, ये जो हमारे पास में जो F2 की रेडियस है ये 1/2^2 होगी, या 2^2 लिखी हुई है, या 1/2^2 होगी। तो हमारे पास में जब कंटिन्यूटी से हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हम पाते हैं कि जो डी ऑफ Fn है वो 1/2^n होगा, और टेंस टू इन्फिनिटी होगा जब n टेंस टू टेंस टू ज़ीरो होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, एंड Fn और An का इंटरसेक्शन 5 होगा। अब चूंकि हमें दिया गया है कि X कंप्लीट है, यानी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस से मतलब है कि इसके अंदर जो कोशी थ्योरम्स हैं वो सारी कन्वर्जेंट होंगी। अब देखिए, सिंस X इज़ कंप्लीट, सो बाई कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम हमने पढ़ी है, तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1/2 Fn कंटेन करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट, उस पॉइंट को हमने नाम दिया स्मॉल x, दैट इज स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। अब जब स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, इट मीन्स स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल Fn फॉर एवरी n, F1 में भी होगा, F2 में भी होगा, F3 में भी होगा, एंड Fn में भी होगा। और जो Fn में है वह An के अंदर नहीं होगा, क्योंकि Fn और An का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो X डज नॉट बिलोंग्स टू An, व्हेन X डज नॉट बिलोंग्स टू An इट मीन्स X डज नॉट बिलोंग्स टू X, इट मीन्स X डज नॉट बिलोंग्स टू X। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि जो X है वो फर्स्ट कैटेगरी की है, और फर्स्ट कैटेगरी की है तो वह
नॉन डेंस सेट की जो सीक्वेंस है उसकी यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, दैट इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन। और जब x ए एन के अंदर नहीं है तो स्मॉल x कैपिटल x के अंदर भी नहीं हो सकता, और जब स्मॉल x कैपिटल x के अंदर नहीं हो सकता तो जो हमने माना है वह है गलत माना है, क्योंकि x तो कैपिटल x के अंदर होगा बाई कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, और यहाँ पर हमारे पास आया कि x कैपिटल x के अंदर नहीं है, यानी जो हम मान के चले हैं यानी जो हमारी असम्पशन है दैट इज x इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इज रॉन्ग। सो x जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस है वह सेकेंड कैटेगरी की होगी। तो ये हमारे पास में बियर्स कैटेगरी थ्योरम थी, हमें प्रूफ करना था कि ये सेकेंड कैटेगरी की थ्योरम है। सेकेंड कैटेगरी की थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से हमने पहले ये माना कि ये फर्स्ट कैटेगरी की थ्योरम है, फर्स्ट कैटेगरी की थ्योरम है तो ये फर्स्ट कैटेगरी के जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जब उसकी कंडीशंस को हम लेके चले तो हमने ये पाया कि जो स्मॉल एक्स है जो कि कैपिटल एक्स के अंदर होना चाहिए था क्योंकि एक्स को हमने फर्स्ट कैटेगरी थ्योरम माना है, वो नहीं है। अर्थात जो हमारे पास में कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है वह हमेशा सेकंड कैटेगरी की होगी। इसके आगे कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि लेट एक्स डी वी है कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और एक मैपिंग है हमारे पास में स्मॉल एफ कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स, तो ये जो मैपिंग स्मॉल एफ है ये कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग कहलाएगी या कॉन्ट्रैक्शन ऑन कैपिटल एक्स कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी विच इज़ लाइज बिटवीन 0 and 1 सच दैट डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। यानी इसको हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ एनी टू पॉइंट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पर x और y पॉइंट्स हैं और एफ एक्स और एफ वाई उन पॉइंट्स की इमेज है, तो जो इमेज ऑफ एनी टू पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस वो कम होगी उन पॉइंट की डिस्टेंस। इस पर डिपेंडेंट हमारे पास में एक एग्जांपल है और एक थ्योरम है, थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले एग्जांपल को हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में मैपिंग है ये कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है या नहीं। तो कंसिडर ए रियल लाइन आर विद यूजुअल मेट्रिक ए मैप एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्शन। क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग देखते हैं हम। हमें कंडीशन जो दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग की, यदि वो सेटिस्फाई करता है तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग होगी, अदरवाइज नॉट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में एक्स बाई टू एक्स बिलोंग्स टू आर ये दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन में ही है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है देन इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्शन, और यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू देन इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स मैपिंग को लेके कि डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ टू एक्स कोमा टू वाई, जो हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास डी एक्स कोमा वाई के आगे जो सी आता है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर है वह आ रहा है 2 जो कि 1 से बड़ा है, सो इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। सेकेंड में अगर इसी प्रकार देखें हम तो हमारे पास में आता है डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ एक्स कोमा वाई। इससे ये पता चलता है कि जो 1/2 है वह लेस देन है 1 से, सो इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। नेक्स्ट बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक्स डी कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और एफ कोई कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है कैपिटल एक्स पर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। हमारे पास में एक ऐसा यूनिक स्मॉल एक्स होगा कैपिटल एक्स के अंदर कि एफ एक्स बराबर
स्मॉल एक्स हो, यानी वही इमेज, उसकी इमेज वह स्वयं हो इट्सेल्फ। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं दो एलिमेंट एक्स और वाई, दो एलिमेंट लिए हमने, एफ भी है कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, हमें दिया हुआ है कि एफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है, कॉन्ट्रैक्शन ऑन, या तो कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग बोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन ऑन एक्स बोल सकते हैं। अब ये एफ इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑन एक्स, सो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी विच इज लाइज बिटवीन 0 and 1, सो सच दैट डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई इज लेस देन सी डी ऑफ एक्स कोमा वाई। देन डी ऑफ एफ स्क्वायर एक्स कोमा एफ स्क्वायर वाई इज लेस देन सी डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई इज लेस देन सी स्क्वायर डी ऑफ एक्स कोमा वाई। कैसे लिखा हमने दोनों तरफ, एक बार वापस ऑपरेट किया डी को तो हमारे पास में ये आया। इसी प्रकार अगर हम इसको एन इंटीजर्स के लिए लें तो हम पाते हैं कि डी ऑफ एफ एन एक्स कोमा एफ एन वाई इज लेस देन सी रेज टू द पावर एन डी ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नाउ हमने एक पॉइंट चूज किया है एक्स ज़ीरो एक्स के अंदर, और वो इस तरीके से चूज़ किया है कि x1 की जो है वो x0 की इमेज है, x2 जो है वो x1 की इमेज है, और x1 f of x1 है उसे हम लिख सकते हैं f स्क्वायर x0, और इसी तरीके से हमारे पास में xn जो है वो f of x माइनस n की इमेज f इमेज है, यानी xn इज इक्वल टू f of xn माइनस 1, और इसको जब हम n टाइम्स x0 पर ऑपरेट करेंगे तब भी हमारे पास में xn मिलेगा। नाउ द सीक्वेंस xn thus obtained is a Cauchy sequence for let m, n be a positive integer such that m is greater than n। ये जो हमारे पास में सीक्वेंस आई xn वह एक Cauchy sequence है। नाउ हमारे पास दो एलिमेंट दो पॉजिटिव इंटीजर लिए m और n, वो इस तरह से लिए कि m बड़ा है n से, तो हम लिख सकते हैं m बराबर n प्लस k बिकॉज m इज ग्रेटर देन n where k is greater than equal to 1। then we have d of xn, हमें बताना है ये Cauchy sequence है, Cauchy sequence है तो हमारे पास में हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास में एक मैपिंग होगी जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगी, और वह जो मैपिंग है वह यूनिक होगी, यूनिकनेस भी हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। नाउ अब हम लेके चलते हैं d of xn कोमा xn इज इक्वल टू d of xn कोमा xn प्लस के इज लेस देन डी ऑफ एक्स एन कोमा एक्स एन प्लस वन प्लस डी ऑफ एक्स एन प्लस वन कोमा डी एक्स एन प्लस टू एंड सो ऑन डी ऑफ एक्स एन प्लस के माइनस वन कोमा एक्स एन प्लस के। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी से हमने मिड मिड में पॉइंट ले लिए एक्स एन, एक्स एन प्लस वन ले लिया, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू ले लिया, एक्स एन प्लस टू, एक्स एन प्लस थ्री ले लिया, इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसके बाद में आर एच एस में इज इक्वल टू डी ऑफ हमारे पास जो एक्स एन है इसकी ये इमेज होगा एफ एन एक्स जीरो की जो हमने अभी बताया ऊपर, कोमा एक्स एन प्लस के ये इमेज होगा एफ एक्स वन की एन टाइम्स जब हम एफ को ऑपरेट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास में आगे वाले जो एलिमेंट है वह भी एक्स जीरो और एक्स वन के साथ की जो इमेज है उनके फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम नीचे लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स एन कोमा एक्स एम इज लेस देन, इसकी वैल्यू लिखी हमने जो फर्स्ट टर्म है आर एच एस में इक्वेशन नंबर 2 की, सी रेज टू द पावर एन डी ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन प्लस सी रेज टू द पावर एन प्लस वन डी ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन एंड सिमिलरली प्लस सी रेज टू दी पावर्स एन प्लस के माइनस वन डी ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन। यहाँ पर सी एन डी ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन हमने कॉमन लिया। हमारे पास में एक ज्योमेट्रिकली सीरीज आई वन प्लस सी सी स्क्वायर एंड सी रेज टू दी पावर एन प्लस के माइनस वन। इसका जब हमने सम किया तो हमारे पास में आया सी रेज टू दी पावर एन डी ऑफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन अपॉन वन माइनस सी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब चूंकि
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि सी जो है वह जीरो और वन के बीच में लाई करता है, उसकी पावर एन करेंगे और उस पर कोई भी लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे पास में जीरो मिलेगा। तो हम डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम उसको कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन बाय टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज। एन को हम जितना ज़्यादा लेंगे हम इस टर्म को बहुत ही कम कर सकते हैं, थस एक्स एन इज ए कोशी सिक्वेंस। सो देयर एग्जिस्ट, जब एक्स एन कोशी सिक्वेंस है और एक्स कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो जो कोशी सिक्वेंस है वह कन्वर्ज करेगी, और माना कि वह कन्वर्ज करती है किसी एक्स को, दैट इज एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स सिंस एक्स इज कंप्लीट। नाउ एफ इज कॉन्ट्रेक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूस, सो दैट ये कंटिन्यूस भी है। सो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमने लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन लिखी इज इक्वल टू लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी बाहर एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू एक्स एन प्लस वन। और जब हमारे पास में एक्स एन एक्स की तरफ जाएगी तो उसकी एन प्लस वन भी टर्म भी एक्स को ही कन्वर्ज करेगी, तो हमारे पास में इक्वल टू में एफ एक्स आया। हेयर एक्स इज ए फिक्स पॉइंट ऑफ एफ, तो हमारे पास में आया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है, यूनिकनेस की, एक यूनिक मैपिंग होगी ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए हम मान के चले कि माना एक दूसरा एलिमेंट भी है हमारे पास इस तरह का, ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आ जाता है, देन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू एफ एक्स, वाई की वैल्यू एफ वाई, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो ऑलरेडी है। हम एक दूसरा एलिमेंट मान के चले वाई जिसकी इमेज वह स्वयं है, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई विच इज़ लेस देन बाई द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब चूंकि जो सी है वह लेस देन है वन से, देन जब सी लेस देन है वन से तो ये जो हमारे पास कंडीशन आई है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये सिर्फ और सिर्फ तभी सत्य होगी जब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो, जीरो के बराबर। दैट इज जब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो के बराबर होगा सो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा हमारे पास में। तो ये हमने इसकी यूनिकनेस भी प्रूफ कर दी। तो बनात फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम जो है हमारे पास में वो ये कहती है कि यदि हमारे पास में एक्स कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो एक ऐसा मैपिंग या एक ऐसा पॉइंट, यूनिक पॉइंट स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स हो। तो यहाँ पर हमने इस मैपिंग को प्रूफ किया और उसकी यूनिकनेस जो है उसको भी हमने यहाँ पर प्रूफ किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वापस लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी बेहतर ढंग से समझाने की। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।